Hello students, today we'll start a hyperbolic function. Hyperbolic function क्या है बेटा? जैसे हमने trigonometry function पढ़ा बेटा, बेटा trigonometry function में क्या पढ़ते थे हम? sin x, cos x, tan x, cot x, cosecant x, secant. यहाँ पे जो hyperbolic function है, इसमें हमने क्या पढ़ना है बेटा? hyperbolic sin x, hyperbolic cos x, हाइपरबोलिक टेन एक्स एस। जो हाइपरबोलिक फंक्शन है ना, दैट इज आर सिमिलर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा इसमें मैंने आपको आज जो प्रूव करना है, एक तो इसके क्या डिफरेंस है बेटा दोनों में, उसके बाद आपको ग्राफ ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, उसमें आपको डोमेन रेंज के बारे में बताऊंगा बेटा। तो आर सिमिलर टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बट जो हाइपरबोलिक फंक्शन है आर डिफाइंड यूजिंग द हाइपरबोला रादर देन सर्कल। आपको कह सर क्या है, जो साइन एक्स कोस एक्स है, जो साइन एक्स कोस एक्स है, फॉर्म ए यूनिट सर्कल। देखो ये सर्कल है बेटा, ये वन यूनिट सर्कल, इसका रेडियस क्या है? वन। यू नो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज वन। बट इन हाइपरबोलिक फंक्शन बेटा हमने इसमें क्या पढ़ना है, मैंने कहा ना देखो यहां पर they are similar to trigonometry function but are defined using the hyperbola rather than circle. इसमें ने sin x cos x क्या represent कर रहा है बेटा, form is unit circle, but यहाँ पे sin x hyperbolic sin x hyperbolic cos x form is hyperbola. अब देखो इसकी equation क्या है, x square minus y square equal to 1। यहाँ पे बेटा equation जो पढ़ेंगे, hyperbolic cos square x hyperbolic sin square x equal to 1। ये डिफरेंस है बेटा इसमें, trigonometry function एंड hyperbolic function। तो यहाँ पे बेटा हमने जो मेन पॉइंट पढ़ना है, जो hyperbolic sin x है उसको कैसे लिखते हैं बेटा, e दी पावर x माइनस e दी पावर माइनस x बाय 2। ओके, जो hyperbolic cos x है उसको क्या लिखेंगे, e दी पावर x e दी पावर माइनस x बाय 2। हाइपरबोलिक टेन एक्स e दी पावर x हाइपरबोलिक साइन x अपॉन हाइपरबोलिक cos x दैट इज e दी पावर x माइनस e दी पावर माइनस x e दी पावर x हाइपरबोलिक cot x cos हाइपरबोलिक cos x अपॉन हाइपरबोलिक साइन x। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, हाइपरबोलिक कोसेकेंट एक्स दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, हाइपरबोलिक ऑफ सीकेंट एक्स दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ हाइपरबोलिक कोस एक्स। तो ये है बेटा, अब हम इसकी बात करते हैं रिजल्ट की। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रूव किया, फर्स्ट हम ये प्रूव कर रहे हैं बेटा, इसके बाद नेक्स्ट एक दो रिजल्ट, फिर आपको मैं इसकी डोमेन रेंज की बात करूंगा बेटा। तो इसकी डोमेन रेंज कैसे निकालनी है, ग्राफ क्या है इसके, उसकी बात करेंगे बेटा। हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर एक्स 1/4 ए दी 2x ए दी माइनस 2x प्लस 2 माइनस ए दी 2x माइनस ए दी माइनस 2x प्लस 2। ओके, देन दिस वन इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है बेटा, हाइपरबोलिक सीकेंट स्केयर एक्स प्लस हाइपरबोलिक टेन स्केयर एक्स इक्वल टू 1। देन डिवाइड दिस, इसको किसका डिवाइड करो बेटा, डिवाइड बाय हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर एक्स। तो क्या बना, 1 माइनस
हाइपरबोलिक टेन स्केयर एक्स, वन अपॉन हाइपरबोलिक कोस स्केयर एक्स, हाइपरबोलिक सीकेंट स्केयर एक्स। तो वन इक्वल टू हाइपरबोलिक सीकेंट स्केयर एक्स प्लस हाइपरबोलिक टेन स्केयर एक्स। नेक्स्ट है थर्ड बेटा, हाइपरबोलिक कोट स्केयर एक्स माइनस हाइपरबोलिक कोसीकेंट स्केयर एक्स इक्वल टू वन। तो इसको किसके साथ डिवाइड करना है बेटा, हाइपरबोलिक साइन स्केयर एक्स। अब बात करते हैं बेटा डोमेन एंड रेंज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। बेटा कैसे निकालनी है आपने डोमेन एंड रेंज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, हम बात करेंगे बेटा डोमेन एंड रेंज, बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले फंक्शन कौन सा है बेटा मेरे पास, हाइपरबोलिक साइन एक्स, यू नो ए दी पावर एक्स, ए दी पावर माइनस एक्स बाई टू। क्या बना बेटा, वन बाई टू ए दी एक्स प्लस माइनस वन बाई टू ए दी माइनस एक्स, मीन्स सम ऑफ दीज टू फंक्शन। ओके, तो आपको मालूम है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये ग्राफ है बेटा। तो मेरे पास ये वन बाय टू ए दी एक्स का ग्राफ आ गया, जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, वन बाय टू। देखो बेटा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बेटा ग्राफ ना हो वन बाई टू ई डी एक्स। ओके, अब मैंने इन दोनों फंक्शन का सम देखना है, तो पहले आप इसको ड्रॉ करना है। देखो पहले मैं ये फंक्शन ड्रॉ किया, अब मैं पहले ये फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा ई डी एक्स, यू नो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसकी इमेज अबाउट क्या आई, एक्स एक्सिस आई ना बेटा। तो मैंने ये ड्रॉ किया, देखो इसकी इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, ये कौन सा फंक्शन है, माइनस वन बाय टू ए दी पावर एक्स, बट मुझे क्या चाहिए, माइनस वन बाय टू ए दी पावर माइनस एक्स, मुझे ये चाहिए बेटा माइनस ए दी पावर माइनस एक्स। यू नो यदि एक्स के आगे माइनस एक्स करता हूँ बेटा मैं, तो इसकी इमेज अबाउट वाई एक्स ही देखनी है, तो मेरे पास क्या बना बेटा, इसकी इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो मेरे पास ये फंक्शन आ गया माइनस वन बाई टू ए दी माइनस एक्स, मेरे पास ये फंक्शन बना बेटा ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, अब मैंने ये वैल्यू क्या है बेटा हाफ, ये वैल्यू क्या है माइनस हाफ जीरो पे, तो मैंने यहाँ पे अब इसका कंबाइन करना है ग्राफ। तो कैसे करना है बेटा, देखो ये हाइपरबोलिक साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इस फंक्शन की वन बाय टू, प्लस इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन बाय टू, दोनों का सम करेंगे क्या आ रहा है जीरो, जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो आ गई। अब जब मैं एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू किसको टेंड्स करेगी बेटा, इन्फिनिटी ए दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ए दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ए दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो। देखो e दी पावर माइनस इन्फिनिटी वन बाई ई दी इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी क्या आ गई जीरो, तो इन्फिनिटी प्लस जीरो क्या बना बेटा इन्फिनिटी, मीन्स जब x की वैल्यू, ग्राफ तो ऐसी बार है, देखो बेटा इन दोनों का सम करना है, इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी पे जीरो को टेंड्स कर रही है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही है, देखो तो ग्राफ मेरा कैसे बनेगा बेटा, बिकॉज ये तो वैल्यू जीरो को जा रही है, ये वैल्यू क्या इसको जा रही है इन्फिनिटी को, और जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा जीरो, क्लियर है। अब जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहे हैं बेटा, अब एक्स टेंड्स टू क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो ई दी पावर इन्फिनिटी हो गए, तो ये तो इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहे हैं, अब इसकी ई की माइनस इन्फिनिटी किसको टेंड्स कर रहा है जीरो, तो इसकी वैल्यू तो जीरो को टेंड्स कर रही है, देखो इसकी वैल्यू किसको जा रही है इन्फिनिटी को, तो ये ग्राफ कैसे बना बेटा, ये किसका ग्राफ है बेटा मेरे पास, हाइपरबोलिक साइन एक्स। अब बात करते हैं बेटा नंबर वन, इसकी डोमेन, इसकी डोमेन क्या है, और ये नंबर देखो एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, देखो एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, इसकी डोमेन क्या आ रही है, और ये नंबर।
इसकी रेंज क्या आ रही है बेटा? रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेके किधर जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी और ये नंबर। ये फंक्शन वन वन है, यस। वन वन कैसे चेक करते हैं बेटा? ग्राफिकली ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्स, मीट वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ए वन वन फंक्शन। तो ये वन वन भी है, क्लियर है बेटा? अब ऐसे कॉन्टिन्यूस भी है ये फंक्शन। तो मैंने क्या चेक किया बेटा? ये ग्राफ ऑफ हाइपरबोलिक साइन एक्स। अब मैं यहां पे ही ग्राफ मैं सेकंड ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, वो कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं? वाई इक्वल टू हाइपरबोलिक कोसेकेंड एक्स। यू नो हाइपरबोलिक कोसेकेंड एक्स क्या है? हाइपरबोलिक साइन एक्स। अब जो हाइपरबोलिक साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, तो आप एक पॉइंट नोट करो, यहां पे साइन एक्स जीरो को, एक्स टेंड्स टू जीरो, तो साइन एक्स की वैल्यू जो है जीरो को टेंड्स कर रही है। तो वन अपॉन जीरो किसको टेंड्स करेगा बेटा? इन्फिनिटी। वन अपॉन जीरो किसको टेंड्स करेगा बेटा? इन्फिनिटी। यदि मैं जीरो प्लस को टेंड्स कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू साइन, देखो एक्स की वैल्यू जीरो प्लस, तो इसकी वैल्यू किसको टेंड्स कर रही है? जीरो प्लस। जब मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू किसको टेंड्स करेगी बेटा? प्लस इन्फिनिटी। तो इधर जा रही है बेटा। जब वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स कर रही है तो साइन एक्स की वैल्यू किसको टेंड्स करेगी? इन्फिनिटी। मैंने बताया ना बेटा अभी ग्राफ बनाया था, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स करती है। तो वन अपॉन साइन एक्स किसको टेंड्स करेगा? जीरो को, जीरो। ओके, जो वैल्यू जीरो को टेंड्स करेगा वो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा जीरो। अब जीरो नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू जीरो नेगेटिव को टेंड्स करेगी, तो ये इसको किसको टेंड्स करेगा? माइनस इन्फिनिटी। जो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को टेंड्स करेगी वो किसको टेंड्स करेगी बेटा? जी। तो ये ग्राफ है बेटा। तो इसकी ये फंक्शन वन वन है, यस, दिस फंक्शन इज वन वन। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स, ए मीट वन पॉइंट। सेकंड, इसकी डोमेन क्या आएगी बेटा? ओरियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू जीरो इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रही बेटा, जीरो पे इसकी वैल्यू नहीं आ रही। एक्स इक्वल टू जीरो क्या होता है बेटा? वाई एक्सिस। आप देखो इसकी वैल्यू डिफाइन करी है यहाँ पे। इसके बाद रेंज, सॉरी डोमेन, रेंज, रेंज भी क्या आएगी? ओरियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। बिकॉज देखो बेटा रेंज हमने कहते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पर जीरो पे इसकी वैल्यू नहीं आ रही बेटा, डिफाइन नहीं कर रही। यहाँ पे जीरो पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रही बेटा। तो इसकी डोमेन क्या है? ओरियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। रेंज क्या है? ओरियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। अब सेकंड पे थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड, थर्ड क्या है? कोस एक्स, हाइपरबोलिक कोस एक्स, उसकी डोमेन रेंज निकालनी है बेटा हमने। तो कैसे निकालेंगे बेटा? थर्ड हाइपरबोलिक कोस एक्स, e दी पार एक्स प्लस e दी पार एक्स बाय टू, वन बाय टू e दी पावर एक्स प्लस वन बाय टू ए दी पावर माइनस एक्स। ड्रॉ ए ग्राफ। तो फर्स्ट आपने क्या करना है बेटा? एक्सपोनेंशियल नोट दिस। ये किसका ग्राफ है? और ये किसका ग्राफ है? तो मैंने कहा ना बेटा, जब अबाउट माइनस, आप यहाँ पे एक्स को माइनस है करना, तो इमेज अबाउट क्या लेना है? वाई एक्सिस। तो मेरे पास ये ग्राफ है, इसकी वैल्यू क्या है? वन बाई टू। तो जीरो पे इसकी वैल्यू भी वन बाई टू है, इसकी वैल्यू भी वन बाई, वन बाई टू, वन बाई टू क्या हुआ? वन हो गया ना बेटा। जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आ गई? वन। इनको ऐड करना ना दोनों फंक्शन को। अब जब x की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स कर रही है, तो इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी को टेंड्स कर रही है, इसकी वैल्यू जीरो को टेंड्स कर रही है, इनका सम क्या हुआ? इन्फिनिटी। तो मेरी वैल्यू बेटा इन्फिनिटी को टेंड्स कर रही है। जब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ले रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू तो टेंड्स कर रही है इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू टेंड्स कर रही है जीरो। जीरो प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, वहां पे क्या था? माइनस, तो माइनस इन्फिनिटी चलेगा, ये क्या जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। तो मेरे पास जो डोमेन है वो तो ओरियल नंबर है, एवरी एक्स की वैल्यू पे इसकी वैल्यू डिफाइन कर रही है,
बट रेंज क्या है इसकी, वन से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि वाई देखो ना आपने क्या देखा, रेंज रेंज वाई देखो, इसकी वैल्यू कहाँ शुरू हुई है, वन से लेके इन्फिनिटी। अब हमने ग्राफ बनाना है बेटा हाइपरबोलिक सेकेंट एक्स, जो हाइपरबोलिक कोस एक्स का रेसिप्रोकल है। तो देखो आप सिंपल बेटा, वन पे वैल्यू तो वन ही रहेगी, रेसिप्रोकल वन का वन, जो वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स करिए वो जीरो को टेंड्स करेगी, जो माइनस इन्फिनिटी को टेंड्स करिए वो माइनस। जैसे जैसे इन्फिनिटी में जा रहे हैं इसकी वैल्यू किसको टेंड्स करिए, जीरो, जो माइनस में इसकी वैल्यू किसको टेंड्स करिए, जीरो। तो बेटा ये बन गया बेटा इसका ग्राफ। तो बेटा इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है बेटा, देखो इसकी डोमेन है ओरियल नंबर, बिकॉज एवरी वैल्यू पे इसकी वैल्यू आ रही है, बट रेंज क्या है बेटा, जीरो नहीं आ रही है, देखो बाई जीरो नहीं आ रही, तो जीरो से वन तक, जीरो ऊपर वन के आएगा क्लोज, देखो यहाँ पे इस अगर आप इस पे नहीं आ रहा है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाल बाई जीरो नहीं है लेके वन तक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेन एक्स का ग्राफ बेटा, हाइपरबोलिक टेन एक्स, फिर हम उसकी डोमेन रेंज निकालेंगे। देखो हाइपरबोलिक टेन एक्स, हाइपरबोलिक टेन एक्स क्या था, हाइपरबोलिक साइन एक्स अपॉन हाइपरबोलिक कोस एक्स। तो यहाँ पे क्या होना, ए दी टू एक्स माइनस वन, ए दी टू एक्स प्लस वन, ए की एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा मेरे पास ये है। अब फर्स्ट इसको कैसे बनाना है बेटा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो को पुट करो, जीरो जीरो e दी पावर जीरो वन, वन माइनस वन जीरो अपॉन टू, क्या आ गई जीरो, जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है जीरो। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स कर रही है तो ए दी टू एक्स माइनस वन, ए दी टू एक्स प्लस वन बेटा, यूजिंग इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगी ना, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, ए दी टू एक्स इंटू टू, ए दी टू एक्स इंटू टू, वैल्यू क्या आ रही है वन। मैं जब x की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स कर रही है तो इसकी वैल्यू वन आ रही है बेटा, इधर इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू किसको टेंड्स कर रही है, तो हम कहेंगे x की वैल्यू यदि इन्फिनिटी को टेंड्स कर रही है तो हाइपरबोलिक टेन एक्स की वैल्यू वन को टेंड्स कर रही है। तो मैं ऐसे ड्रॉ किया बेटा, इसकी वैल्यू वन को क्या कर रही है, टेंड्स कर रही है, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स कर रही है। अब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी बेटा, ओके x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ए दी टू एक्स माइनस वन, ए दी टू एक्स प्लस वन, तो ए दी माइनस इन्फिनिटी जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन, तो क्या बना बेटा मेरे पास माइनस वन, तो इसकी वैल्यू किसको टेंड्स कर रही है बेटा, माइनस वन। तो ये ग्राफ बना बेटा मेरे पास, तो ये फंक्शन वन वन है। अच्छा एक बात तो ना भूल गया बेटा आपको, कोस एक्स इज नॉट ए वन वन फंक्शन, बिकॉज ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज नॉट ए वन वन फंक्शन, ध्यान रखना बेटा आपने, ये वन वन है यस, पर दिस इज नॉट ए वन वन फंक्शन। तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनाया था मैंने, सीकेंट, वो भी वन वन नहीं है, बट टेन एक्स इज वन वन फंक्शन, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एंड मीट वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। तो इसकी डोमेन क्या है बेटा, ओरियल नंबर, रेंज क्या है बेटा मेरे पास, माइनस वन से वन, ओके ये क्या आ गई इसकी रेंज। अब बात करते हैं बेटा हाइपरबोलिक कोट, हाइपरबोलिक कोट में क्या है बेटा, देखो तो जो वैल्यू जीरो पे टेंड्स कर रही है बेटा कोट, हाइपरबोलिक कोट बेटा वो क्या हो गया, वन अपॉन हाइपरबोलिक टेन। जब एक्स की वैल्यू जीरो को टेंड्स करे, इसकी वैल्यू जीरो को टेंड्स करे, तो कोट की वैल्यू किसको टेंड्स करेगी बेटा, इन्फिनिटी। अब इसकी वैल्यू बेटा देखो, जैसे वन यहाँ पे क्या है बेटा, वन बाय टू है सपोज, तो वन बाय टू का क्या हुआ, टू हो गया ना बेटा, वन बाय थ्री का क्या हुआ, थ्री हो गया, वन बाय फोर का फोर हो गया, तो ऐसे से वैल्यू बेटा किसको टेंड्स करिए बेटा, इन्फिनिटी। वन पे वैल्यू क्या आएगी, वन, देखो वन पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, वन, तो इसका ग्राफ ऐसे बन गया।
अब ऐसे ही बेटा माइनस वन पे देखो, अब माइनस इंफिनिटी जीरो नेगेटिव पे वैल्यू क्या आ गई, माइनस इंफिनिटी। तो ये फंक्शन वन वन है, इसकी डोमेन क्या है बेटा, ओरियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, बिकॉज जीरो पे डिफाइन नहीं कर रहा। रेंज क्या आएगी बेटा इसकी, रेंज क्या लिखेंगे बेटा, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी। तो ये है बेटा हमारे पास कुछ इनकी डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट हम इसके डेरिवेटिव और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच बेटा।